भाजपा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कस रही है। पूनिया ने कहा है कि उनको समेटने की जल्दी है, कोई असुरक्षित रहता है तो मान लेकर जाना चाहते हैं, ऐसा ही कुछ कांग्रेस में दिख रहा है। पूनिया ने हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के पास बेरोजगारों के लिए कोई रोडमैप नहीं है। के चर्चाएं हुई थी किसी एक, यदि उनको नौजवानों की 4 साल बाद सुध आती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी, 1 लाख को नौकरी दी है, 69 लाख के लिए राजस्थान में कोई रोड मैप नहीं है उनकी बेरोजगारी को दूर करने का। दूसरा, कोर्ट में खास का काम हुआ रीट की चीट ने, उस पर जितने लोग आरोपित थे, जिस तरीके के चर्चाएं हुई थी, किसी एक भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सीधा सीधा नौजवानों के खिलाफ छलावा था। तो मुझे लगता है कि अब वो जो कहेंगे वो लीपापोती है। इस तरीके के सियासी बयानों से और इस तरीके की आपाधापी के कारण उनके जो पाप हैं बेरोजगारों के प्रति वो धुलेंगे नहीं।